फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चार फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी फोर्स है वे सारी इन्हीं में ही कैटेगराइज हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है भाई? ग्रेविटेशन फोर्स थी, ये फोर्स डेवलप बाई बोलो या फिर आइडेंटिफाइड बाई न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। और ये फोर्स क्या हो गया, आप पढ़ चुके हो नाइन्थ क्लास में, ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स बाई वर्च्यू ऑफ मास। कि ये फोर्स क्या होती है, मतलब सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो मतलब ये फोर्स ये कहती है कि इस यूनिवर्स में मतलब इस यूनिवर्स का मतलब हो गया ऑल सैटेलाइट्स, ऑल प्लैनेट्स, ऑल गैलेक्सी, ऑल स्टार्स, वो सारे स्टार्स इस यूनिवर्स में एवरी मास या एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट या इन दैट यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। किसकी वजह से उनमें मास, देखो भाई मास होता है, हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन इनके भी मास निकाल चुके हम, है ना, और भी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से भी छोटे मास होते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, तो हर मास दूसरे मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। किसकी वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, मास वाली प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखो मास सुनो, तो इसी फोर्स के बारे में स्टडी की थी किसने, आइजैक न्यूटन ने 1687 में, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स by which every mass of the universe attracts another mass is called gravitational force। अब भाई ये force का देखो, ये force का जो expression है वो क्या है, F is equal to g m1 m2 upon में r square। ये yes, पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में, ठीक है। F is equal to g m1 m2 upon में r square, मतलब दो mass है हमारे पास, कोई भी दो mass है ना, ये एक mass है M1, ये दूसरा मास है M2, है ना, ये दो मास है किसी भी स्ट्रक्चर के, है ना, हर मास स्फेरिकल नहीं होता, ठीक है। तो ये मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा कितनी फोर्स से, G M1 M2 upon में R square, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये फोर्स है। अब देखो इसका, इसको अगर देखो मोस्टली स्टूडेंट्स यही समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का बस इफेक्ट होता है प्लेनेटरी लेवल ऊपर, है ना, जैसे अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है, है ना, अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट ऊपर, और ये जो प्लेनेट्स है ये अट्रैक्ट होते हैं सन द्वारा, मतलब इनके बीच में होती है। नहीं भाई देखो, ये M1 M2 की वजह से, मास की वजह से, और मास तो हर चीज का, इस मार्ग का भी मास है। अब देखो, अब हमारे पास दो बॉडी है, देखो मान लीजिए एक ये व्हाइट बोर्ड है, एक ये मार्कर है पेन है, अब इसका भी मास है और इसका भी मास है, तो इन दोनों के बीच में भी ये ग्रेविटेशन फोर्स है ये फोर्स, मेरा भी मास है, इस मार्कर का भी मास है, तो हमारे बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लाई हो रही है, हाँ। लेकिन ये फोर्स होती है, देखो बस वो ये फोर्स होती है, वेरी वीक फोर्स है। ये जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होती है। अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड है 10⁻¹⁰, ये बहुत स्मॉल हो गया, तो ये जो मैग्नीट्यूड है यही आपको शो कर रहा है कि ये फोर्स होगी बहुत वीक फोर्स होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, और ये इन्वेंटेड थे या आइडेंटिफाइड बाय आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब देखो बात सुनो, इस फोर्स के कारण ही देखो जितने भी जैसे कि जो भी स्टार हुए इनका इवोल्यूशन हुआ, स्टार का फॉर्मिंग ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी इवोल्यूशन, ये सारा इसी फोर्स के कारण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। भाई हमारी जो यूनिवर्स है उसकी जो शेप कैसी है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन फोर्स इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स, और एक इसकी एक आइडेंटिटी ये है, एक चीज और ये है, दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेटीरियल। देखो भाई मतलब अगर ये मेटीरियल या मतलब इंटरवेनिंग मीडियम के बारे में
के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो इसका जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, जी विच इज सिंपल कॉन्स्टेंट, एम वन एम टू विच आर सिंपल मासेज, आर इज द सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, बात सुनो, कहने का मतलब ये है जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है और ये मार्कर है, इनके बीच में फोर्स निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ये स्फेरिकल नहीं है, इनके बीच की जो डिस्टेंसेज है उसको निकालने थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन निकाल देंगे हम। लेकिन देखो अब इसी सिस्टम को, इस व्हाइट बोर्ड को और इस मार्कर को मैं उठाकर पानी में रख दूं सेम डिस्टेंस के ऊपर, तब भी ये फोर्स उतनी रहेगी, फिर इनको मैं जमीन में दाब देता हूं ना उतनी डिस्टेंस के ऊपर, तब भी ये फोर्स उतनी रहेगी। मतलब ये फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिंपली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास और मास सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, भाई कितना मास है और कितनी उनके बीच की डिस्टेंस है। तो दैट इज द ग्रेविटी फोर्स, दैट इज वीक फोर्स इन्वेंटेड बाय आइजैक न्यूटन, और यही फोर्स होती है जो रीजन है किसके लिए, प्लेनेटरी मोशन के लिए, जो हम सैटेलाइट जो छोड़ते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए उनका मोशन होता है वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है। और भी इंटरेस्टिंग बताया कि यूनिवर्स का जो शेप है या यूनिवर्स की जो आज के दिन जो इवोल्यूशन हो रहा है वो भी इसी फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि एक मास ये है मान लीजिए और एक मास ये है, एक एम वन एक एम टू, ठीक है हमने बोल दिया, ये वैसे प्रूडियम दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये दो स्फेयर है और इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी, ठीक है। अब इनके बीच की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, simply F will be g m1 m2 upon में d स्क्वायर, ये होगी फोर्स। देखो थोड़ी सी सरप्राइज वाली बात ये है इसमें, देखो इस मास में और इस मास में कोई कांटेक्ट नहीं है, हम जनरली जो फोर्सेस देखते हैं, देखो ग्रेविटेशन इज ए फोर्स, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और जनरली हम जो फोर्स पढ़ते हैं उसमें कांटेक्ट होता है, जैसे कि मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है ना तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखी है, है ना, या फिर मैं इसको जैसे इसको हिला रहा हूं थोड़ा तो मैंने इसको फोर्स लगाई, मेरा हाथ में इसमें कॉन्टेक्ट गया है, लेकिन ये फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है, मतलब नॉन कॉन्टेक्ट मतलब अगर एक मास दूर, दो मासेज है दूरी पर रखे हुए हैं फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रही है, दैट इज मतलब एक है ना विदाउट कॉन्टेक्ट फोर्स लग रही है, एक मैजिकल टाइप फोर्स है। तो इसके बारे में बताते हैं कि इसका जो रीजन है वो इसके ग्रेविटोन है ना, वो एक वर्चुअल पार्टिकल मान के चल रहे हैं, मतलब काफी थ्योरी इसके ऊपर, लेकिन ग्रेविटोन मानते हैं कि हर मास कुछ अपने अंदर से ग्रेविटोन टाइप कुछ एक पार्टिकल वो निकाल रहा है जो इसको इंफॉर्मेशन देता है कि इतनी दूरी ऊपर इतना कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको तो ग्रेविटोन इसका रीजन माना जाता है ग्रेविटोन, ठीक। तो भाई यही थी इसके बारे में मेन मेन बातें कि आइजैक न्यूटन ने बताई थी ग्रेविटेशन फोर्स, इसका जो एक्सप्रेशन है वो जी एम एन एम टू मोनास्फीयर है ना, वीक फोर्स है